आर टू रेज फ्रैक्शन. सो इसमें हमें गिवन है कि रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी की जो आपका प्लेयर है आर अश्विन ही थ्रोज द बॉल एट एन एंगल ऑफ ए और जो सेकेंड प्लेयर है जसप्रीत बुमराह ही थ्रोज द बॉल एट एन एंगल ऑफ बी. तो रिलेशनशिप गिवन है साइन ऑफ ए माइनस बी इज हाफ कॉस ऑफ ए माइनस बी इज जीरो ए प्लस बी लाइज बिटवीन जीरो टू 90 एंड ए इज ग्रेटर देन बी. फर्स्ट पार्ट है आपका व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मेजर क्या होगा. हाफ साइन ऑफ ए माइनस बी हाफ गिवन है तो हाफ कहाँ पे होता है साइन में. साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है. दिस इज एट 30 डिग्री साइन 30 इज हाफ. देन कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है. नाइनटी. So cos of a minus b is 90. अब cos of a plus b. चलिए अब क्या करें. मैंने ये ठीक लिखा है. आई हैव मेड वन मिस्टेक इन दिस. वॉट इज दैट मिस्टेक. मैंने हाफ को 30 डिग्री से रिप्लेस किया है. हाफ किससे रिप्लेस होगा. साइन 30 से. And here also one will be replaced by sine 90. ठीक है. अब sine और sine cancel out होके a minus b कितना आ गया 30 and a plus b is 90. Now you know how to solve these equations. Simplify and tell me the values of a and b. Here it is cos. तभी वो cancel होगा. Cos 90 is zero. क्या values आई a और b के. ए कितना आ गया 60 डिग्री. ए 60 है तो बी कितना आएगा 30. फर्स्ट पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए तो 60 डिग्री. सेकंड पार्ट था फाइंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी तो दैट इज 30 डिग्री. अब नेक्स्ट है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ए डिराइव. जो हमने ये ए की वैल्यू डिराइव की है यानी कि अब थीटा को हम 60 डिग्री लेके चलेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंड द value of cosec of a minus b. On the basis of value derived, find the value of cosec of a minus b. बिल्कुल ठीक. हाँ ये गिवन था. टाइम सेव करने ये ए और बी की इनकी वैल्यूज के लिए गिवन था. साइन गिवन है कॉसेक क्या होगा उसका रेसिप्रोकल. तो हाफ का रेसिप्रोकल इज टू. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी टू. नो नीड टू डू द कैलकुलेशन. नाउ द नेक्स्ट वन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट बी. सीकेंट बी वैल्यूज नहीं याद तो सम्स नहीं होंगे. हाँ तो बना लो. कितना टाइम लगता है. मुझे आंसर चाहिए क्विक. सेकेंड बी मींस सेकेंड 30. तो व्हाट विल बी दैट. कॉस 30 इज रूट 3 बाय 2. तो सेकेंड 30 क्या हो जाएगा 2 बाय रूट 3. सो दिस विल बी योर आंसर. नाउ इफ साइन थीटा इज ए बाय बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. साइन थीटा मुझे ए बाय बी गिवन है. कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो. इसी के साथ उन्होंने ऐसे दे दिया. कुछ भी दे सकते हैं वो केस स्टडी में. जरूरी नहीं है कि जो ऊपर उन्होंने मेंशन किया बीच में जो है फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन आपकी चेंज भी हो सकती है. अब इसके अकॉर्डिंगली दे आर सेइंग साइन थीटा ए बाय बी है. कॉस थीटा हमने निकाला है. साइन और कॉस में क्या रिलेशन है. क्या आएगा. अलग अलग रूट में लिख सकती हूँ मैं इनको.
सो दिस इज रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी. सो कॉस थीटा विल बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी. क्लियर? इसी तरीके का एक और करके दिखाओ. इफ कॉसेक थीटा कॉसेक ऑफ ए प्लस बी इज वन, कॉसेक ऑफ ए प्लस बी इज वन एंड सीकेंट ऑफ ए माइनस बी इज टू. सेम वही कंडीशन है. ए प्लस बी लाइज बिटवीन 0 to 90, 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा. एंड अगेन क्योंकि ए माइनस बी गिवन है तो ए इज ग्रेटर देन बी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज निकालने. कॉसेक की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 90 पे. तो ए प्लस बी आ गया 90. सेकेंड की वैल्यू 2 अभी की है. क्या आएगा? सिंप्लीफाई. सेवेंटी फाइव. टू ए इज इक्वल टू 150. तो ए इज 75. ए 75 है तो बी कितना आएगा? 15. सम इज 90. या डिफरेंस किसी भी तरीके से ले सकते हो. नेक्स्ट है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 3. सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा. सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 गिवन है. टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है. क्या करेंगे? सेकेंड स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर निकाल सकते हो. आइडेंटिटी यूज करके टैन स्क्वायर कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो टैन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? पी माइनस 1 दैट इज 2. अब टैन स्क्वायर है आपके पास, सेकेंड स्क्वायर है तो यू कैन फाइंड आउट कॉसेक स्क्वायर. कैसे? कैन यू फाइंड आउट साइन स्क्वायर? ओके, मैंने कैलकुलेशन सही की है. चेक द कैलकुलेशन. चलो अब साइन आ गया, टेन आ गया, कॉसेक क्या आएगा? Now put the values and get your answer. Be quick.
सो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, तो ए के बेसिस पे डिफरेंट वैल्यूज आप निकाल सकते हो. स्क्वायर में है तो स्क्वायर ले लो. अगर ऐसे मुश्किल लगता है स्क्वायर में करना तो यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. सीकेंट स्क्वायर थ्री गिवन है तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा, रूट थ्री. फिर आप टेन की वैल्यू निकाल लो, कॉसेक की वैल्यू निकाल लो. यू कैन प्रोसीड इन दैट वे, जैसे कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट. नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस फाइव इन द गिवन फिगर. ये कर दो, ये समझ आ गया. अब नेक्स्ट हमें गिवन है, वी आर गिवन दिस फिगर. This angle is 5, this is 90 and this is theta. Now this is given to be 3, 4 and 5. We are to find the value of cos 5. Kya kare? हाँ जी, फाइव एंगल फाइव पी एच आई फाइव. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस फाइव. वी आर गिवन दीज साइड्स एज फाइव फोर थ्री. हाँ जी, हाँ जी, दिस इज गिवन. cos 5 क्यों, वो कोई साइड 45 कब होता, अगर हमें ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन होती देन इट वुड हैव बीन 45. अभी ये हमें इक्वल नहीं गिवन, ये 90 गिवन है. हाँ, तो ऑब्वियसली तभी ये राइट ट्रायंगल बनेगा ना आपका. ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये. 3, 4, 5. Online students can also answer. Phi की वैल्यू आपको निकालनी है, cos phi की. वर्टिकली कैसे, वर्टिकली के लिए ऐसे क्रॉस होनी चाहिए. आई विल गिव यू अ हिंट, ये ट्राइंगल है एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, ये 90 है तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया थीटा. अब बताओ कौन सा, क्यों. हाँ ओके, 90 प्लस 5 तो ये 5 आ गया. अब cos 5 इज, ये ना भी लो चलेगा, मैंने इधर कंसेप्ट बताया है, आप इधर ना लगाओ, आप इधर ये कंसेप्ट लगाओ. दिस इज 90 प्लस 5 तो ओपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होता है. ये 90 गिवन है क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है हमारा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 5. अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 5 की. cos 5 क्या होता है, दैट इज b अपॉन h. ठीक है, जो यहाँ पे एंगल होता है उस एंगल के एडजेसेंट स्मॉलर वाली साइड आपका बेस होती है, उसके ऑपोजिट वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होती है और लॉन्गर साइड उसके एडजेसेंट दैट इज द हाइट. तो बेस अपॉन हाइट, दिस इज 4/5. ठीक है, क्लियर. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा.
साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा। दिस इज इक्वल टू ऑप्शन जीरो वन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू जीरो वन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करें क्या हाँ जी क्या करें इनको कॉस साइन में साइन कॉस में लिख दें। ओके साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद तो डायरेक्ट लिख रही हूं मैं ये स्टेप आपका साइन स्क्वायर थीटा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम साइन आपका ऊपर चला जाएगा ये रह जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस यहाँ पे भी कॉस आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ऊपर जाके दिस विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप सेम है विद डिफरेंट साइंस तो क्या करना पड़ेगा पहले यहाँ पे माइनस आपको कॉमन लेना अब सेम है तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे सेम ही आएगा न्यूमरेटर में क्यों क्या आइडेंटिटी है यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चे एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है योर आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के साइंस शुड बी सेम तब आप आइडेंटिटी लगा सकते। अगर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता देन इट वुड हैव बीन इक्वल टू माइनस वन ठीक है बट यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो इसको वन या माइनस वन के इक्वेट आप नहीं कर सकते हो। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सो दिस विल गेट कैंसल्ड सो योर आंसर विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हाँ जी ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट ऐसा भी शायद मैंने करवाया हुआ है लेट अस डू दिस अगेन। हमें गिवन है secant theta plus tan theta equal to x then find the value of secant theta ऑप्शंस x स्क्वायर प्लस वन बाय x x स्क्वायर प्लस वन बाय टू x याद आया खरा हुआ कोई फायदा नहीं मुझे कुछ भी करवाने का x स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू x एंड x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x। चलिए क्या करेंगे secant theta प्लस tan theta मुझे x गिवन है जहां तक मुझे याद है आई गेस कि इसका आंसर कृषान ने भी दिया था कृषान सीकेंट और टेन की क्या आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस अब दिस कैन बी रिटन एज
अब ये मैंने ठीक लिखा है, वन आएगा। अब बताइए इसकी वैल्यू है secant theta plus tan theta x given है, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी? Let this be your equation number two, this be your equation number one. You can find out the value of secant theta now. क्या करेंगे वैल्यू निकालने के लिए? क्या करें? करूं क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? एडिंग वन एंड टू, सो दिस विल बी टू secant theta, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टेन थीटा एंड माइनस टेन थीटा मैंने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, सो फ्रॉम हियर आई एम हैविंग टू secant theta इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, ये वाला टू आप नीचे ले जाएंगे, देन योर आंसर विल बी secant theta इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। सेम वे में यू आर यू कैन बी गिवन ओवर हेयर इन द सेम क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो वो भी आपका आ सकता है, अकॉर्डिंगली योर ऑप्शन विल बी गिवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस cot थीटा आपको 5 गिवन है एंड यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा इज 5, find the value of tan square theta plus cot square theta। orally aane chahiye aise answers ab aapko। square these are reciprocal of each other, so jab aap yahan pe squaring both sides karoge what will you get? tan square theta plus cot square theta, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 2ab की जगह 2 रह जाएगा, a और b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 25, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 25 माइनस 2 दैट इज 23, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ऑरली भी कर सकते हैं, बट उसमें ध्यान रखना कि कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स ना हो। cot theta 15 by 8, then find the value of, ye karo erase, same isi mein, sometimes you can be given the statement in this way also, to aap wahan se cot jo bhi t ratio hoga you will find out, so cot theta hame yahan pe given hai 15 by 8, then find the value of 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta upon 2 plus 2 cos theta 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta। चलिए सिंप्लीफाई दिस, 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, आपको मैंने ये पहले भी करवाया हुआ है कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट वे, इफ यू ऑब्जर्व द टर्म्स केयरफुली, कुछ कॉमन लेके यू नो क्या चीज आएगी यहां से। हाँ, टू कॉमन आके क्या रह गया, वन प्लस साइन थीटा, दिस इज वन माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में,
ये cos square theta आ जाएगा simplify करके, ये cancel out हो गया, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta is 1 minus sin square theta, which is cos square theta. Denominator में भी 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, that is 1 minus cos square theta, which is sin square theta. अब cos by sin is, तो cot theta की value given है, तो cot square की क्या हो जाएगी उसका square, so this will be your answer. ठीक है, clear? ऐसे नहीं समझ आता तो अदर ऑप्शन यू आर ऑलवेज हैविंग, cot theta क्या होता है, b by p, h निकाल लो एंड देन फाइंड द वैल्यूज एंड पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, अदरवाइज रिजल्ट आपका सेम आएगा. इफ secant theta into sin theta is zero, then find the value of theta. secant theta into sin theta is zero. Find the value of theta. कैसे? सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस इज टेन की वैल्यू जीरो, सो दिस विल बी आर. ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम टाइप्स आपकी गिवन है. अच्छा एक ये करो, a cos theta plus b sin theta is m, a cos theta plus b sin theta, this is equal to m, a sin theta minus b cos theta, this is given to be n, find the value of a square plus b square. क्या करें? हाँ जी, ओके, क्या आएगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन विल गिव ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा. सेकेंड वाली इक्वेशन विल गिव ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर. अब मुझे वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की चाहिए, क्या करें? इफ यू सी द इक्वेशन केयरफुली, ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, टर्म्स सेम है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर. एडिंग बोथ द इक्वेशंस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या रह गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे भी बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? एम स्क्वायर प्लस एन. डन, चले आगे. नेक्स्ट है वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा,
इक्वल टू के टाइम्स सेकेंट स्क्वायर थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स सेकेंट स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्या करें? ओके, आइडेंटिटी लग गई, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमिरेटर क्रॉस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई क्योंकि डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट लिया है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स सेकेंट स्क्वायर थीटा. अब माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस इज सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, सो दिस विल बी आवर चले आगे. नेक्स्ट है टेन थीटा प्लस 2, टू टेन थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेकेंट स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. ऑप्शन आर 2, 9, 10, 24. ए बी, फाइंड ए बी. कहां से? चार में से दो टर्म्स के साथ 2 कॉमन आ जाए, फिर वो भी दो अलग अलग ब्रैकेट्स में, एक में होती तब भी ले लेते. ब्रैकेट्स ओपन करो, क्या आएगा? अब मुझे राइट हैंड साइड की फॉर्म में लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड को, क्या करूं मैं? यहां से 2 कॉमन ले सकती हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेकेंट थीटा, सेकेंट स्क्वायर थीटा आ रही है ये वाली साइड इस तरह से, ये क्या आ जाएगा? 2 सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेन थीटा इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेकेंट स्क्वायर थीटा. कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5, बी इज 2, तो ए बी इज 10, सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो जो गिवन होगा अकॉर्डिंगली कन्वर्जन्स करनी है एंड देन यू विल गेट योर आंसर. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ.